हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में इस आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, किस तरह से फिल कर सकते हैं, क्या सभी प्रोसेस होंगी और जो प्रोसीजर्स होंगी वहाँ पर फिल करने के नेम से लेकर के लास्ट तक के जितने भी प्रोसीजर होंगे इस वीडियो में हम देख पाएंगे। और आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो झारखंड पॉलिटेक्निक 2032 IAS पेपर टाइप करना है एंड सर्च करना है एंड देन आप यहां पर देखते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2032 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड ईयर। स्क्रॉल डाउन करना होता है, फिर से रिलीज़ करना है यहां पर। और जैसे यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हो यहां पर देखने को मिलता है नोटिफिकेशन कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया है ओनली 9 May 2022। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, फिर स्क्रॉल डाउन करना होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। बट उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म है इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। इसमें फुल करना होता है या सर अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं, सिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट आपकी, कोर्स क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है एंड देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी होती है, जिससे ये होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते हैं आपके। सबसे पहले कट करना है। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिखाई देता है कि रिलीज़ हो गई है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं। तो ओके, सो यहाँ पर आपको खुद ही देखने को मिलता है आगे का प्रोसेस का क्या चीज़ है। तो क्लिक हियर पर क्लिक करके हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, एक लॉगिन का आता है। तो लॉगिन नहीं करना, पहले आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, अप्लाई करके फिर आप लॉगिन पर जाएंगे। तो कैसे कर लेंगे, सो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना होता है। आर यू अप्लाइंग फॉर माइनिंग, यस या फिर नो, जो भी आपका आंसर हो। ईमेल आईडी यहाँ पर बतानी होती है, मोबाइल नंबर बतानी होती है 10 डिजिट का। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म करना है, फिर सिक्योरिटी कोड टाइप करनी है। यहाँ पर ये टाइप करनी है सिक्योरिटी कोड 68 और जो भी है 6K83KV टाइप करके आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, ईजी। एंड जब आप सबमिट कर लेंगे तो फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो सो यहाँ पर आप अगर आप श्योर हैं अप्लाई करने के लिए तो यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड। अगर एक बार आप सबमिट कर देते तो आप नेक्स्ट टाइम मतलब आप आगे एडिट नहीं कर सकते उस चीज़ को। जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी रॉन्ग हो सकती है। ओके, तो अभी चाहते हो नो पे क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं तो आई एम श्योर पे क्लिक कर देना है और ये हो गया। यहाँ पे लॉगिन पे आना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, SMS कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर टाइप किया, फिर यहाँ पर मेरे को पासवर्ड टाइप करने होगा। तो पासवर्ड यहाँ पर क्या था वो यहाँ पर टाइप करनी होगी और यहाँ पर मुझे टाइप करनी होगी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, खाली मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है, बस हो गया। ऐसे तो आपको लॉगिन करनी थी। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर फादर नेम टाइप करनी है, मदर नेम टाइप करनी है, मेल, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, फादर मदर ऑक्यूपेशन बतानी है यहाँ पर, एनुअली इनकम कितनी यहाँ पर बतानी होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि सेकंड प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी और रिजर्वेशन डिटेल्स बतानी है, रेसिडेंशियल स्टेटस बतानी है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सिंपली बतानी होती है। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर वो बतानी है, सब कैटेगरी बताएं। डू यू विश टू ऑप्शन फॉर TFW के लिए अगर आप चाहते हैं तो यस बोल सकते हैं, अगर यस बोलते हैं तो आगे मिलता है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यहाँ पर बोला गया है, कोटा के लिए, तो यहाँ पर अगर आप हैं तो बताएंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है, सॉरी कम्युनिकेशन, अरे क्वालिफिकेशन यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको 10th बतानी, यहाँ पर आपको स्टेट बतानी, कौन से स्टेट में आपने स्टेट बोर्ड जहाँ पर जिस बोर्ड में भी आपने एग्ज़ाम दिया रखा उसका यहाँ पर नाम बतानी है, रिजल्ट स्टेटस बतानी, यहाँ पर मार्क्स सिस्टम बतानी है। तो मेरा परसेंटेज है मार्क्स था, रोल नंबर जो भी रहेगा आप यहाँ पर बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे जो भी पासिंग ईयर रहा होगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर बतानी है, जैसे लाइक यहाँ पर 600 या फिर 500 जो भी,
यहाँ पर आपको मार्क्स लिखने, और यहाँ पर आपको टोटल कैलकुलेट हो जाता है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशंस एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होती है। तो जब आप ये करते हैं तो ओके, तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट, टाउन, सिटी सब यहाँ पर फिल करनी होती है, सिटी फिल करनी होती है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब यहाँ पर फिल करके, पिन कोड नंबर, नेशनलिटी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर एड्रेस में तो नॉर्मली फिल किया जाता है, ये आपको पता ही है। आपको यहाँ पर नीचे आना है और फोटोग्राफ्स के लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स अपना खुद का फ़ोटो अपलोड करना है जो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा विथ मैक्सिमम साइज़ 50 KB, बस उससे ज़्यादा एक भी नहीं। सिग्नेचर्स यहाँ पर बतानी है, अपलोड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह करनी है, फिर आपको यहाँ पर कट कर देनी है और क्लास 10th के जो भी मार्कशीट आपके पास उसको अटैच करके सेव करनी है। सो आपको यहाँ पर सेव, जब से जैसे ही आप सेव करते हैं ना, तो आपको पेमेंट फीस ऑप्शन के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो पेमेंट फीस ऑप्शन के लिए यहाँ पर आप आ जाएंगे, जिस वजह से फिर आगे का पेमेंट फीस ऑप्शन डिटेल्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, कि कैसे आपको पेमेंट करना होता है, किस तरह से पेमेंट करना होता है, कितना पेमेंट भी करनी है, किस तरह से, कितना इंक्लूडेड फीमेल के लिए, कितना सभी सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग सिस्टम, जैसा भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो पेमेंट सिस्टम यहाँ से आएगा जब आपका कंप्लीट होगा तो, ठीक है, जब आपका ये पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होगा तो अगर आपको डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ मैंने। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ही तो होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने किया, फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बाद यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होती है, फिर आपको पेमेंट करनी होगी बस। तो इफ़ यू एनी डाउट्स, क्वेरीज हैव, सो कमेंट ऑन दिस कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।